अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर भीड़ में MiG-21 ट्रेनी जो विमान है वो क्रैश हो गया है। हालांकि दोनों ही पायलट वहां पर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बुधवार को आज सुबह एक वायुसेना का प्रशिक्षण विमान MiG-21 क्रैश हो गया और हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। उन्होंने समय रहते विमान से इजेक्ट कर लिया और ऐसे में क्रैश होने के बाद विमान गोहद तहसील के आलूरी गांव के पास गिरा और हादसे के बाद विमान में आग लग गई और विमान ने ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। सूचना मिलने पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर और जवान भी मौके पर पहुंच गए और वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि विमान नियमित उड़ान पर था और सुबह 10 बजे क्रैश हुआ। वायुसेना ने हादसे की जाँच के आदेश दे दिए हैं और गाँव में जहाँ विमान गिरा उसके आसपास के इलाके को वायुसेना ने कब्जे में ले लिया है।